डिसोल्यूशन का हम लोग सम कर रहे हैं एनी वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट। देखिए एनी वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट में मरे वर्सेस गार्नर का नियम अप्लाई होता है। हालांकि एक नंबर सवाल में मरे वर्सेस गार्नर का नियम नहीं पूछा है तो नॉर्मल ही बनता, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल सवाल बनता। लेकिन वो एक पार्टनर इंस्टॉलमेंट होगा तो वहां पे मरे वर्सेस गार्नर का नियम अप्लाई होता ही है, समझ गए। तो हम मरे वर्सेस गार्नर के हिसाब से ही सबको कराए हैं, समझ गए क्या बोले। सुना, एक केस स्टडी हुआ था मरे वर्सेस गरे, सुनिए ध्यान से। ये दोनों पार्टनर था और ये लोग दो पार्टनर था जिसमें एक जन बर्बाद हो गया और एक जन ठीक था। एक जन बर्बाद हो गया एक जन, तो कहने का मतलब है कि अब साथ में थे तो एक जन कैसे बर्बाद हो गया, साथ में थे तो एक जन, तो जो बर्बाद हुआ उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया। तो जो सही था वो बोलता था कि हम कर्ज नहीं देंगे, आपका पैसा हम नहीं चुकता करेंगे, आपका बोझ हम नहीं उठाएंगे, समझ रहे। तो ये लोग लड़ते मरते कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि साथ में बिजनेस किए और एक जन कोई बर्बाद हुआ, रिमेनिंग पार्टनर सॉल्वेंट है, तो भाई आप लोगों को उसका बोझ उठाना पड़ेगा, आप लोगों को उसका बोझ, समझ गए क्या बोले। यही डिसीजन आया, बोझ क्या उठाना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर आपका लॉस हो रहा रियलाइजेशन में तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है अगर लॉस हुआ तो घर से उतना पैसा लेके आएगा, सॉल्वेंट इंस्टॉलमेंट नहीं लेके आएगा। इंस्टॉलमेंट तो ऑलरेडी फर्टीचर है, इंस्टॉलमेंट मतलब फर्टीचर हो जाना, तो फर्टीचर कहां से पैसा लेके आएगा, समझ में क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ। सॉल्वेंट पार्टनर पैसा ले आएगा टू मेक द गुड कंडीशन, टू मेक द प्रॉफिट हुआ तो नहीं लाना होगा, लेकिन लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ तो जितना लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा उतना आपको घर से पैसा लाना होगा। और दूसरा डिसीजन दिया कि जितना जो बर्बाद हुआ है ना उसका जितना पैसा कम पड़ेगा तुम लोग अपने कैपिटल से माइनस करना, तुम लोग बोझ उठाना, उसका ऊपर बोझ नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं समझे। अच्छा बताइए, किसी घर में किसी को लाचारी हो जाता है तो क्या हम लोग छोड़ देते हैं कि परिवार के सदस्य मिल करके उसका हम लोग बोझ उठाते हैं, खिलाते हैं, रखते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोले, रखते हैं कि नहीं रखते हैं। लाचार हो गया जैसे मान लीजिए पागले हो गया तो क्या हम लोग भगा देते हैं, छोड़ देते हैं। विकलांग हो गया तो छोड़ देते हैं कि सभी को बोझ उठाना पड़ता है, क्योंकि आप सही है आपको उठाना पड़ेगा। तो वैसे ये पार्टनरशिप में भी केस लागू होता है, समझ पा रहे हैं, जो पार्टनर सॉल्वेंट है उसको बोझ उठाना पड़ेगा, समझ गए क्या बोले। आइए क्वेश्चन देखते हैं। रियलाइजेशन जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा, रियलाइजेशन जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा, बट थोड़ा सा उसमें चेंजेज होगा, समझ रहे। कैश जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा, माने एनी वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट भी होता है तो हमें तीन अकाउंट खोलना पड़ेगा, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। आइए सवाल देखते हैं, आ गए क्या, पेज नंबर चले आइए 35 में, पेज नंबर 35 एक नंबर क्वेश्चन में चले आइए। पी कॉमा क्यू एंड आर आर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एट 5:3:2, बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, क्लियर, बैलेंस शीट आपको दिया। नीचे देखिए, मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड 25,000, 18,000, कार इज टेकन नंबर बाय क्यू, क्यू ने कार को ले लिया 12,000 में, डेटर रियलाइज 20,000, डेटर कितना का रियलाइज हुआ भाई 20,000 का, डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर कैपिटल कैपिटल अकाउंट इज मेट बाय अदर पार्टनर, बोला डेफिशिएंसी अदर पार्टनर ढोएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, माने मरे वर्सेस गार्नर का यह नियम नहीं पूछा है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, बोला लोग अदर पार्टनर ढोएगा कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन हम जो सवाल किए मरे वर्सेस गार्नर के हिसाब से किए, क्योंकि एग्जाम में जब पूछेगा ना तो मरे वर्सेस गरे का ही पूछेगा, समझे क्या बोले। आइए, पी इज इंसॉल्वेंट, पी बर्बाद हो गया, फटीचर हो गया पी, आर कैन ब्रिंग 5,000 ओनली, आर सिर्फ 5,000 रुपया लेके आया घर से। सुनिए ध्यान से कैसे बनेगा, पहले एसेट को डेबिट करेंगे कैश को छोड़ के, कर लिए, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे किसको छोड़ के, कैपिटल और रिजर्व को, कैपिटल और, कर लिए, एसेट बी का यहां डाल दिए, एक तो पार्टनर कार लिया है बाय क्यू कैपिटल के नाम से डाल दिए, लायबिलिटी पेड हुआ यहां डाल दिए, लायबिलिटी के बारे में नहीं बोला तो खुद से पेड आउट करो, अगर कोई लायबिलिटी है और उसके बारे में नहीं बोला कि कैसे देना है तो क्रेडिटर वहां 1,00,000 है तो यहां पे 1,00,000 पेड कर देंगे, समझे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे। अब क्या कर लेंगे हम लोग, बैलेंस देखेंगे कहां ज्यादा है, इधर ज्यादा है तो इधर जोड़ेंगे, इधर बांध देंगे रेशियो में, रेशियो नहीं तो इक्वल, और इधर ज्यादा है तो इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, डेबिट में घट के बचा तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में घट के बचा तो लॉस है। ये तो सिखाए थे कि एसेट को डेबिट, लायबिलिटी को, एसेट को डेबिट करेंगे बैंक को छोड़ के, माने बैलेंस शीट में जितना एसेट दिया है उसको डेबिट करेंगे बैंक को छोड़ के, लायबिलिटी में जितना दिया कैपिटल रिजर्व को छोड़ के क्रेडिट करेंगे, एसेट बिकेगा तो बाई बैंक के नीचे, लायबिलिटी पेड होगा तो टू बैंक के नीचे, एसेट बिकेगा तो बाई बैंक के नीचे, लायबिलिटी पेड होगा तो
अगर कोई पार्टनर एसेट ले लिया तो आने के दिन तो एसेट बिका, भाई बैंक का नहीं चला, बेटी नहीं पेड हुआ, खुद से पेड आउट करो। अब एक तो क्यों ले लिया कैपिटल एक दो थे, अब इधर ज्यादा है तो इधर जोड़ेंगे, इधर क्या हुआ लॉस हुआ, बांट दिए 5:3:2 क्लियर। अब पार्टनर्स कैपिटल जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, सबसे पहले कैपिटल को लिख देंगे भाई बैलेंस बेटी, सबसे पहले कैपिटल को क्या लिख देंगे, इसमें क्या हुआ लॉस हुआ, लॉस ऑन रियलाइज, लॉस हुआ तो लॉस ऑन, लॉस हुआ तो लॉस ऑन, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे, रिजर्व रहेगा रिजर्व आप देंगे, नहीं है तो नहीं बांटेंगे। तो हम क्या बोले कि पी बर्बाद हुआ ना, तो मरे वर्सेस गार्डनर के हिसाब से 27 और 18 ये दोनों लेके आएगा, तुम्हें का गुड कंडीशन तुम्हें का, तो हम डाल दिए भाई बैंक 27-18, और मरे वर्सेस गार्डनर नहीं लिखा है इसमें ना, तो 27-18 नहीं होगा, 27-18 समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम तो बनाए हैं आपको किसके हिसाब से, मरे वर्सेस गरे के हिसाब से, समझ पा रहे। आर लाया कैपिटल तो लिख दो भाई बैंक कितना लाया, 5,000, कितना लाया, कितना लाया 5,000। अब पी का इधर जोड़ो इधर घटाओ, इधर जोड़ो इधर, तो 45 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, ये कम हो जा रहा, किसका कम हो रहा, डेफिशिएंसी ऑफ पी, देख लो डेफिशिएंसी ऑफ 45,000 - 10,000 कितना डेफिशिएंसी हो रहा, 35,000। बॉर्न बाय क्यू एंड आर इन कैपिटल रेशियो, सवाल में बोला प्रॉफिट शेयरिंग माने 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 5:3:2 है, तो क्यू और आर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2, तो सवाल में बोला प्रॉफिट शेयरिंग, लेकिन हमारे मरे वर्सेस गार्डनर के हिसाब से कराए हैं, इसलिए कौन सा रेशियो किया, कैपिटल रेशियो कौन सा, और मरे वर्सेस गार्डनर का ही नियम सीख के जाना उचित है, वही आता है, समझ पा रहे क्या बोल रहे। तो डेफिशिएंसी ऑफ पी कितना हो रहा है, 35,000 कितना हो रहा, बॉर्न बाय कौन देगा, क्यू एन आर इन कौन सा रेशियो, कैपिटल रेशियो कौन सा, तो क्यू का कैपिटल कितना 40,000, आर का कितना 40,000, 20,000, 4,4,0 हटाओ कितना रेशियो आएगा, 4:2, उसको काटो कितना आएगा, 2:1, 2:1। अब 35,000 को क्यू देगा तो 35,000 का 2/3, अब 35,000 को 1/3, 1/3, अब इसको मिलेगा तो लिख देंगे भाई क्यू एन आर कैपिटल 35,000, इसको मिलेगा तो लिख देंगे भाई क्यू एन आर कैपिटल 35,000, और देख देख इसको रहा पी को, क्यू कितना दे रहा है 23,333, और आर कितना दे रहा है 11,667, 11,600 लिख दिए इधर। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे इधर, जोड़ेंगे इधर, इधर बचा तो इधर 2 बैंक, उधर बचा तो उधर 2 बैंक, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं। यहां 2 चीज एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हुआ, देख रहे हैं कि लॉस हुआ तो बढ़िया कंडीशन करने के लिए लाएगा, प्रॉफिट होता तो कुछ नहीं, पी को बैलेंस के 45 - 10 कितना कम हो गया, कैपिटल रेशियो मार दो, कौन सा रेशियो में, इस सवाल में जानते हैं कि आप कौन सा रेशियो बटाता, बटाता 3:2 में बोल दिया था प्रॉफिट से रेशियो, माने 21,000 - 14,000, 21,000 फिर ऐसे ही करते 35,000 यहाँ भरते, यहाँ लिखते 21, यहाँ लिखते 14, यहाँ लिखते 21, यहाँ लिखते 14, लेकिन हमको उस मेथड में जाना नहीं, हम लोग कौन सा मेथड से लाना, मरे वर्सेस गार्नर, पूछता वही है, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। एनी वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट में केस स्टडी लगेगा, नहीं लगेगा, किसका लगेगा, मरे वर्सेस गरे का, समझ पा रहे हैं, क्लियर क्लियर। तो क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे इधर, तो बताइए जोड़ के कितना हो रहा है, वाला कितना हो रहा, 45 45, ये कितना हो रहा, 67, ये कितना हो रहा, 67, ये 43,000 लेस करिए, लिख देंगे 2 बैंक फाइनल पे, पहला टाइम दूसरा बताइए, 16,667, ये 43,000 में से कराइए, 43,333 टू बैंक फाइनल पेमेंट, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, बैंक का क्रेडिट में, क्यू कैपिटल, क्यू कैपिटल कितना भाई 16,667, और आर कैपिटल 13,333, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये लोग पैसा ले जाएगा, कहाँ जाएगा, बैंक का क्रेडिट में, बैंक का, और इसका मतलब पैसा आ रहा है कहाँ होगा, डेबिट में, बैंक का बैलेंस देखो बैलेंस शीट में दिया है, बैंक का बैलेंस बैलेंस शीट में दिया है ना, बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो डेबिट, तो बैंक का बैलेंस को सबसे पहले टू बैलेंस बेटी, अच्छा एक से छोड़ दिए हैं, क्यू कैपिटल लिया, क्यू एसेट लिया है ना, कौन लिया, क्यू
तो क्यू का यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन, अरे कार लिया है ना तो क्यू में भरो ना, कितना लिया 12,000, तो बचेगा कितना 4,667 मतलब 4,667 रुपया लेके जाओ, 4,667। सुनिए ध्यान से, ध्यान से, पहले बैंक का बैलेंस को टू बैलेंस बेटिंग, इसका मतलब पैसा आ रहा है डेबिट में, इसका मतलब पैसा जा रहा है क्रेडिट में, इसका मतलब पैसा जा रहा है क्रेडिट में, और इसका मतलब पैसा डेबिट में, इसका मतलब भी पैसा आ रहा है, जोड़ेंगे दोनों टैली करेगा तो सम सही ना, सम बताइए कितना हो रहा सर? 1,18,000 1,18,000 1,18,000 क्लियर? कॉपी करिए, दो नंबर सब में चले आइएगा, आ गए हैं बुक में सभी लोग, देखिए P, Q and R are partner of Bisco Engineering Works, ratio is 6:3:5. आपको दिया हुआ है एसेट और लायबिलिटी, एसेट का सारा आइटम ना आएगा डेबिट में, क्या छोड़ के बैंक और क्यू करेंट अकाउंट, बैंक और लायबिलिटी का सारा आइटम कहां जाएगा क्रेडिट में, किसको छोड़ के, कैपिटल करेंट अकाउंट रिजर्व को छोड़ के, कैपिटल करेंट रिजर्व को, कैपिटल है करेंट है, दिखाई नहीं दे रहा दीदी है क्या, दिखाई नहीं दे रहा इनको, चलिए आइए एडजस्टमेंट भाई। इट वाज डिसाइडेड बाय द पार्टनर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, द फॉलोइंग अमाउंट हैज बीन रियलाइज्ड, फर्नीचर एंड फिक्स्चर 2,000 बाई बैंक के नीचे, लैंड बिल्डिंग 6,000 बाई बैंक के नीचे, डेटर 2,000 बाई बैंक के नीचे, स्टॉक 15,000 बाई बैंक के नीचे, क्रेडिटर हैज एग्रीड टू फॉरवर्ड 25% इन फुल सेटलमेंट टोटल ड्यू, क्रेडिटर बोला 25% छोड़ देंगे, भिखारी हो गए तुम लोग, 25% भाई 75% मेरा दे दो, फॉरगो माने छोड़ देंगे, समझा, तो क्रेडिटर का जितना अमाउंट होगा ना उसका 75% टू बैंक के नीचे, टू बैंक के, समझा, उसके बाद द फुल अमाउंट ऑफ मॉर्गेज लोन पेड, पूरा दे दिए मॉर्गेज लोन पूरा दिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,650 कहां लिख देंगे डेबिट में, कहां लिख देंगे, इट वाज असर्टेन दैट क्यू हैड बिकम इंसॉल्वेंट, बर्बाद हो गया क्यू, बर्बाद कौन हो गया, ठीक है बर्बाद हो गया, तो क्यू स्टेट कंट्रीब्यूटेड ओनली 50% इन द रूपी, क्यू का जाके संपत्ति बेचे घर बार पहले बेचे उसका, तो 50% माने 50% रिकवर हुआ, माने 35,000 जो आया ना डेफिशिएंसी उसका 50% माने 17,500 दे देगा, 35,000 उसका डेफिशिएंसी है ना, अरे क्यू का तो डेफिशिएंसी आएगा उसका, वो 50% दे देगा उसका, वो 50% तो 35,000 का 50% दे देगा माने कितना देगा 17,500, यहां लिख देंगे भाई बैंक 17, तो 35 में 50% दे दिया 17,500, तो कितना बचा, तो ये लोग 17,500 का बोझ उठाएगा कैपिटल रेशियो में, कौन सा रेशियो में, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे, वही बात बोला है, इस सवाल में कुछ नहीं देने सका तो पूरा 35 का बोझ उठा, नहीं देने सका तो, या कभी कभी बोलता है कि क्यू हैड बिकम इंस्टॉलमेंट एंड पेड 10,000, तो 35 में 10 दे दिया तो कितना का बोझ उठाएगा 25 का, समझ रहे हैं, तो कभी परसेंटेज में बोलेगा नहीं तो कभी अमाउंट में बोलेगा, समझ रहे हैं आप लोग, उसके बाद देखिए क्या है नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉलोइंग द रूल गिवन इन गार्नर वर्सेस मर्रे, तो हम भाई आगे ही पढ़ा दिए गार्नर वर्सेस मर्रे, समझ रहे हैं, आप दो अकाउंट हमें बना के देंगे रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल बनाइएगा तो सुनिए, करेंट अकाउंट एक तो लायबिलिटी में है और एक तो एसेट में, देखिए है ना, तो कैपिटल को लिख दीजिएगा यहाँ पे भाई बैलेंस बेटी, करेंट अकाउंट इधर लिखिएगा भाई करेंट अकाउंट, जिसका जो रहेगा डाल दीजिएगा, एसेट वाला करेंट अकाउंट को लिखिएगा दैट टू करेंट अकाउंट, एसेट वाला को इधर, लायबिलिटी वाला को बस रिजर्व बांध दीजिएगा, लॉस हुआ, लॉस हुआ तो जो पार्टनर सॉल्वेंट है मैंने क्यू को छोड़ के पी और आर, पी और सॉल्वेंट है उसका लिख देना भाई बैंक, समझे, और फिर डेफिशिएंसी निकाल लेना, डेफिशिएंसी का 50% देगा और 50% भरेगा, कौन भरेगा, पी और आर, कौन भरेगा, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, बनाइए स्टार्ट करिए अभी अभी अभी, यस घबरा जाइएगा तो 10 मिनट लेट से जाएगा खाना, आज पापा आपका आज मजबूत नाश्ता किया, चिंता मत करिए। सुनिए,
किसका बात करे? पार्टनर्स कैपिटल। किसका बात करे भाई? सुनिए 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 बालक लोग सुनो। कैपिटल को बाइबल में बेटी करंट है, करंट को लिख दिए। एसेट वाला करंट इधर, लॉस ऑफ रियलाइजेशन इधर, पी और आर सॉल्वेंट है तो लाएगा भाई बैंक 8,400 हो गया। जो बर्बाद हुआ उसको बैलेंस करो, इधर जोड़ो इधर घटाओ यहां तक, तो आया कितना 8,800। ये बोला 50% दे देंगे, घर उल बेच के दे देंगे, तो 8,800 का 50% 4,400 दिया, तो 8,800 में 4,400 दिया तो उसका डेफिशिएंसी कितना हुआ? 4,400। इसको कौन उठाएगा? पीएनआर, पीएनआर इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कितना है इसका? 25,000 15,000 काटे तो कितना हुआ? 5:3 माने ये देगा 2750, ये देगा 1600, तो इसको मिलेगा तो लिख दो भाई पीएनआर कैपिटल 4,400। किसको देंगे? क्यू को। ये देगा 2750, ये देगा 1650 हो गया। और पी एन आर को बैलेंस करेंगे, इधर ज्यादा है तो इधर जोड़ेंगे, इधर लिख देंगे टू बैंक। क्या लिख देंगे हम लोग? कैसे अकाउंट जैसे बनाते वैसे बना लीजिएगा। 35,000 किसका? सर 9,100 इसका 35,000 9,123,000 लेस करिए तो टू बैंक फाइनल पेमेंट 23,850 किसका? सर पी का कितना? 23,850 50। और क्यू का? सर बैलेंस हो जाएगा। आर का? आर का 14,750 चलो कैश बना देना, ठीक है। वीडियो चालू हुआ था रे बाबा? हाँ हाँ। हाँ बोलिए बोलिए। कैश अकाउंट जो बनाएंगे उसमें करंट अकाउंट ना? नहीं वो सब नहीं आएगा, वो सब नहीं आएगा। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल